Hello friends, welcome to your own channel Mudra Academy. I am a teacher of this session. Friends, we are going to learn in this session how to divide polynomials. So watch till the end. So student, हम start करते हैं division of polynomials. Division में जैसा कि मैंने multiplication में बताया था three cases थे, वैसे same मैं आपको division में बताऊंगा हमारा case one, case two and case three. Case one में जब हमारा dividend monomial होगा और डिवाइजर भी मोनोमियल होगा, मतलब जब आपका डिविडेंड में सिर्फ एक टर्म रहेगा आपका सिंगल टर्म पॉलिनोमियल होगा और साथ ही साथ डिवाइजर भी आपका क्या रहेगा, डिवाइजर भी आपका सिंगल टर्म पॉलिनोमियल रहेगा. तो वो केस वन में देखेंगे. केस टू में देखेंगे फ्रेंड, जब किसी भी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे किससे, मोनोमियल से, जब हमारा डिवाइजर क्या होगा, जब हमारा डिवाइजर होगा सिंगल टर्म पॉलिनोमियल या मोनोमियल, ठीक. और डिविडेंड हमारा क्या रहेगा, डिविडेंड जो रहेगा वो हमारा रहेगा एनी पॉलिनोमियल, मींस जिस पॉलिनोमियल में आपके मोर देन वन टर्म्स रहेंगे. मोर देन वन टर्म मतलब टू टर्म्स भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी, और कोई भी टर्म्स हो सकते हैं. वो एक केस बताऊंगा मैं. सेकेंड केस, थर्ड केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा जब आपका डिविडेंड भी कोई भी पॉलिनोमियल आप ले पाएंगे मोर देन वन टर्म का, और डिवाइजर भी आपका क्या रहेगा, मोर देन वन टर्म का पॉलिनोमियल रहेगा फ्रेंड्स. तो ये होगा केस थ्री. फ्रेंड केस थ्री जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा और सबसे लंबा होगा. तो हो सकता है ये वीडियो हमारा लंबा हो जाए, लेकिन आप अगर आखिरी तक देखें तो आई होप आपको सब समझ में आएगा और आपके बहुत सारे डाउट्स जरूर क्लियर होंगे. तो फ्रेंड सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केस वन, हमारा डिविडेंड भी मोनोमियल है और डिवाइजर भी मोनोमियल है. तो हम देखते हैं केस वन, मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल, मतलब आपका डिविडेंड भी क्या होगा. एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, मोनोमियल है सिंगल टर्म पॉलिनोमियल और आपका डिवाइजर भी सेम रहेगा. सपोज आप एक एग्जाम्पल लेते हैं 16x² / 4x. तो डिवाइडेड बाय के बाद जो लिखा रहता है वो क्या होता है हमारा, ये होता है डिवाइजर, ठीक. ध्यान रखिएगा क्यों, इसको अगर नॉर्मल वे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 16x² / 4x, ठीक. तो ये जो डिनोमिनेटर बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिवाइजर, और जो न्यूमरेटर रहता है वो क्या होता है, डिविडेंड, ठीक. तो यहां पर हमारा सिंगल टर्म डिविडेंड हो गया और सिंगल टर्म हो गया क्या, डिवाइजर दोनों. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए 16x² / 4x, इसमें जो मैंने मल्टीप्लीकेशन में बताया था सेम इसमें भी होगा, जो कोफिशियंट पार्ट है या नंबर पार्ट है वो डिवाइड होगा किससे, कोफिशियंट डिवाइडेड बाय कोफिशियंट होगा, मतलब नंबर पार्ट को नंबर पार्ट से डिवाइड करेंगे. और जो हमारा वेरिएबल पार्ट है, जो हमारा वेरिएबल पार्ट है वो किससे डिवाइड होगा फ्रेंड्स, वेरिएबल में डिवीजन में यही रूल फॉलो होता है, ठीक. वेरिएबल पार्ट है वो किससे डिवाइड होगा, वेरिएबल पार्ट से, ठीक. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वेरिएबल पार्ट, तो वेरिएबल पार्ट जब डिवाइड होते रहेंगे तो यहां पर भी एक एक्सपोनेंट का रूल लगेगा. कौन सा एक्सपोनेंट का रूल लगेगा फ्रेंड, कि जब आपके बेस सेम रहे तो डिवाइड में जो पावर्स होती हैं, बेस सेम होने पर डिवाइड्स में जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती है फ्रेंड्स, वो हो जाती है माइनस. तो a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n रहेगा, वहां पर हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस n, मतलब इनकी जो एक्सपोनेंट होगी, इनकी जो पावर होगी वो माइनस होते रहेंगी, ठीक फ्रेंड्स. तो इसमें देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अब आपको 16 / 4 मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, ये हो गया. प्लस सॉरी इनटू एक्स टू दी पावर, जो एक्स की डिविडेंड की एक्सपोनेंट है वो किससे माइनस होते रहेगी, डिवाइजर की एक्सपोनेंट से. तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, डिविडेंड की कितनी थी ऊपर में, कितनी पावर थी, 2, माइनस होते रहेगी जो डिवाइजर, जो डिनोमिनेटर में नीचे में पावर है 1. तो ये कितना आ जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 4x² / 1 और 4x, ये हो जाएगा हमारा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर. ये था डिवीजन, डिवीजन का केस वन, जिसमें आपको मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल का मैंने सॉल्व करके बताया, ठीक. एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूं. तो एक और एग्जांपल टू लेते हैं स्टूडेंट्स. देखिए अगर एग्जांपल टू में आपको क्या बताने जा रहा हूं,
आपका डिविडेंड जो है वो 16x2y, आपका डिविडेंड अगर क्या रहे, टू वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल रहे या मोनोमियल रहे, और आपका डिवाइजर क्या रहे, सिंगल वेरिएबल का मोनोमियल। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसीजर वही रहेगी, 16x2y डिवाइडेड बाय 4x, नंबर से नंबर पार्ट, वेरिएबल से वेरिएबल पार्ट डिवाइड होगा। तो नंबर से नंबर करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 4 1 4 4 4 16, और यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए डिवाइजर में जो केवल एक वेरिएबल है आपका वो क्या है x, और डिविडेंड में क्या है x2 and y, तो इसमें सिर्फ x की पावर x से माइनस होगी, क्यों, बेस आपका सेम होना है पावर माइनस के लिए, तो यहां पर बेस x और x दोनों वेरिएबल सेम होना जरूरी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 4 16, x बस का पावर 2 - 1 होगा, और ऊपर में जो डिविडेंड में y था वो सेम रहेगा y, तो ये हो जाएगा आंसर 4x into y। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा, जिसमें मोनोमियल का मोनोमियल से डिवाइड बताया। केस टू में हम लेंगे जब हमारा डिविडेंड रहेगा एनी पॉलिनोमियल मोर देन वन टर्म का पॉलिनोमियल रहेगा, और जो हमारा डिवाइजर रहेगा वो मोनोमियल ही होगा। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं केस टू हमारा, जिसमें डिविडेंड हमारा क्या है, डिविडेंड है वो है एनी पॉलिनोमियल, मतलब मोर देन वन टर्म का पॉलिनोमियल रहेगा। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 16x2y2 + 8x2y + 4x2 into y, ये क्या है आपका, ये क्या है डिविडेंड है, डिवाइडेड बाय जो डिवाइजर है वो क्या होना है फ्रेंड्स, मोनोमियल होना है। तो एक डिवाइजर का ले लेते हैं हम क्या, 2xy। ठीक, ये था आपका डिविडेंड, कितने टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। ठीक, और इसमें डिवाइजर क्या है आपका, मोनोमियल है। इसलिए मैं ये बताना जा रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि ये अक्सर आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं होता है कि कैसे डिवाइड करना है। तो ये इसको ले लेंगे हम क्या, हमारा न्यूमरेटर बना देते हैं x2y + 4xy2 + 2xy, और जो डिवाइजर है उसको मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में 2x into y लिखूंगा। तो इसमें क्या करना है फ्रेंड्स आपको, जो डिवाइजर में मोनोमियल है वो ईच टर्म से डिवाइड होते रहेगा, साइन ये सेम टू सेम रहेंगे, और ये सारे टर्म्स से क्या होगा, डिवाइड होते रहेगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, इसको मैं बोल रहा हूं ईच टर्म से डिवाइड करना है, मतलब 2x किससे भी डिवाइड होगा, आपका फर्स्ट टर्म जो था 16x2y2 डिवाइडेड बाय 2xy, सेकेंड टर्म से भी होगा 8x2y / 2x into y, फिर होगा 4xy2 / 2xy + 2x into y / 2x into y। ठीक फ्रेंड्स, तो इसको आप डिवाइड कब कर पाएंगे ईच टर्म में, जब ये मोनोमियल होगा। सपोज आपको यहां पर दे दें 13x / 2x2 + 1, तो आप इसको ना 13x / 2x2 + 13x / 1 ऐसे नहीं कर सकते। आपको क्या कब कर सकते हैं, जब आपका डिविडेंड जो सॉरी डिवाइजर जो होगा वो मोनोमियल होगा, तभी आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ईच टर्म में। ठीक, तो इसके बाद आपको सॉल्व करके क्या मिलेगा, 16x2y / 2xy, इसको सॉल्व करता हूं मैं, आई होप ये लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो रिज्यूम करके लिख लीजिएगा। देखिए मैं बोल रहा हूं, अब आपको ये मिल गया, अब मैंने बताया सेम नंबर पार्ट से नंबर पार्ट और वेरिएबल से वेरिएबल को डिवाइड कर दीजिए, नंबर से हो जा होगा तो ये 2 1 2 2 8 16, और ये हो जाएगा x। अब देखिए यहां पर दोनों वेरिएबल नीचे हैं, तो x जो आपका डिविडेंड में जो पावर है उसकी पावर डिवाइजर से माइनस हो जाएगी, तो यहां तो 2 था, नीचे में क्या था -1 हो जाएगा। y भी देखिए नीचे में भी है तो 2 - 1, यहां पर देखिए ये हो जाएगा 2 1 2, जब नंबर पार्ट से करेंगे, और 2 4 8, ये डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 4 8। ठीक, तो और ये हो जाएगा x^(2 - 1) × y^(1 - 1). ठीक, यहां भी 1 है और यहां पर भी 1 है,
यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2 4 एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1 वाई टू दी पावर 2 माइनस 1। क्यों? यहाँ पर भी x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो x के ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 और यहाँ पर x y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, तो आ जाएगा 2 माइनस 1। और लास्ट स्टेप में आप देखेंगे न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो नंबर से नंबर काटेंगे तो 2 1 2 1 और ये भी सब कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका सिंपल 1 बचेगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8x 2 माइनस 1 1 एक्स टू दी पावर 1 2 माइनस 1 वाई टू दी पावर 1। ठीक, प्लस 4 एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 क्या बचेगा 4 एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 फॉर वाई 1 माइनस 1 दैट इज 0। फिर यहां पर क्या बचेगा प्लस 2 एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0 और वाई टू दी पावर 2 माइनस 1 1 प्लस 1। ये हो गया, तो ये फाइनल जो आंसर होगा, देखिए पिछला स्टेप था इसको मैं अभी रब कर देता हूं, आप लिख लीजिएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 8x into y प्लस 4x y to the power 0। एक और एक्सपोनेंट का रूल लगा दे रहा हूं मैं, क्या a टू दी पावर 0 किसी भी वेरिएबल पर पावर 0 हो तो उसका एक्सपोनेंट में उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो y टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 एक्स टू दी पावर 1 हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, तो यह क्या बचेगा खाली y प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये था फ्रेंड्स, जब हमने क्या किया मोनोमियल से डिवाइड किया हमारे एनी पॉलिनोमियल, किसी भी नंबर एक से ज्यादा टर्म वाले पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड किया हमने, मोनोमियल से। तो फ्रेंड्स तीसरे केस जिसमें मैं आपको बताऊंगा किसी पॉलिनोमियल का डिवाइड करेंगे सेकंड दूसरे पॉलिनोमियल से जो कितने भी टर्म्स रहेंगे, उसको मैं अपने सेकंड वीडियो में कवर करूंगा, तो प्लीज फ्रेंड्स सेकंड वीडियो भी जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।